प्रीति चौहान। तो सीकर के निमका थाना के भुदौली रोड पर 3.5 साल पहले रास्ता चौड़ा कराने को जिनके घर काट दिए गए थे, वो लोग अब मुआवजे की बाट जोह रहे हैं। सरकारी उदासीनता के चलते प्रभावित लोगों को फूटी कौड़ी नहीं मिली है, जिसके बाद अब प्रभावित लोगों ने अनिश्चितकालीन आंदोलन शुरू कर दिया है। देखिए इस पर हमारी एक स्पेशल रिपोर्ट। जब एक एक कर जमींदोज खोने लगे अपने मकान, आशियाना उजड़ने से लुट गए सपने, मुआवजे की बाट जोह रहे हैं लोग। आशियाना उजड़ जाने का दर्द क्या होता है, कोई इनसे पूछे। जिंदगी भर के सपने कैसे एक झटके में बिखर जाते हैं, तब इंसान टूट जाता है, बिखर जाता है। लेकिन अगर 3.5 साल बाद भी मुआवजा नहीं मिले तो फिर शायद आंदोलन के अलावा कोई चारा नहीं बचता। तोड़ फोड़ की ये तस्वीर 24 जून 2016 की है। भुदौली सड़क मार्ग पर बने मकानों को अतिक्रमण मानते हुए तत्कालीन कलेक्टर के आदेश के बाद इन लोगों के आशियाने को तिनके की तरह ढहा दिया गया। मशीनों के प्रहार से आशियाने ढह रहे थे, हर जगह अफरा तफरी मची थी, कोई टूटा फूटा सामान बटोर रहे थे तो कोई थकी हुई नम आंखों से बर्बादी का मंजर देख रहे थे। उस समय विरोध प्रदर्शन को दबा दिया गया था। सरकारी उदासीनता के चलते प्रभावित लोगों को फूटी कौड़ी नहीं मिली है, थक हार कर अब प्रभावित लोगों ने अनिश्चितकालीन आंदोलन शुरू कर दिया है। मुआवजे की मांग को लेकर लोगों ने संघर्ष समिति बनाकर आंदोलन का बिगुल फोड़ दिया है, क्योंकि प्रभावित लोग अब भी दर दर की ठोकरें खाने को मजबूर हैं। ये लोग कभी काले झंडे लेकर प्रदर्शन कर रहे हैं तो कभी प्रशासन का पुतला फूंक रहे हैं। इन लोगों ने मुआवजा नहीं मिलने तक आंदोलन जारी रखने का ऐलान कर दिया है। गैर कानूनी रूप से मकान तोड़ दिए गए, उनको मुआवजा भी नहीं दिया गया, तो ये संघर्ष समिति ने संकल्प लिया है कि जब तक पीड़ित लोगों को मुआवजा नहीं दिया जाएगा और जब तक दोषी लोगों को सजा नहीं दी जाएगी, ये संघर्ष समिति संकल्प लिया है कि इस आंदोलन को हम ये लड़ाई तब तक जारी रखेंगे। वही इस पूरे मसले पर नगर पालिका प्रशासन आंदोलनकारियों पर बेवजह इस मसले को तूल देने का आरोप मढ़ रही है। नगर पालिका अध्यक्ष त्रिलोक दीवान प्रभावित लोगों को मुआवजा देने की बात का समर्थन तो करते हैं, लेकिन वो ये भी कहते हैं कि आने वाले निकाय चुनाव के चलते कुछ लोग इसे तूल दे रहे हैं। अब नगर पालिका का कहना है कि न्यायालय के फैसले के बाद जो भी मुआवजे का हकदार होगा उसे मुआवजा मिलेगा। उनकी दोनों मांगों का समर्थन मैं भी करता हूं कि जो निर्माण वैध थे और टाइटल शुदा मकान थे उनको मुआवजा मिलना चाहिए, तथा इसमें यदि कोई व्यक्ति दोषी है तो उसको सजा भी मिलनी चाहिए। मुआवजे को लेकर शुरू हुए इस आंदोलन को नगर पालिका अधिकारी इसे निकाय चुनाव का मुद्दा बनाकर जोड़ रहे हैं, लेकिन 3.5 साल बाद भी मुआवजे की बात पर चुप्पी साध लेते हैं। आंदोलनकारी मांगों को लेकर सड़क पर डटे हुए हैं और अब देखना है कि इस आरोप प्रत्यारोप की जंग में प्रभावितों को न्याय कब मिलता है। अशोक शेखावत, सीकर,